नमस्कार, मैं बालकृष्ण मिले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी। महारथी के आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी इंदौर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर जी। राजेश सोनकर जी सावेर विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। हाल ही में उन्हें उपचुनाव की जिम्मेदारी सावेर विधानसभा की मिली। उनसे हम ढेर सारी चर्चाएँ करेंगे, उनके बाल्यकाल की करेंगे, उनके छात्र जीवन की करेंगे, छात्र राजनीति की करेंगे। साथ ही उन्हें पितृपुरुष जो कि भारतीय जनता पार्टी के अनेकों पितृपुरुषों का बेहद करीब का सानिध्य मिला है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। राय जी आपका ढेर सारा स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी में। आप भारतीय जनता पार्टी के आज के महारथी कहलाएंगे क्योंकि आपके कांधों पर इतना बड़ा दायित्व है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, खास तौर से उपचुनाव की। हालांकि वो चर्चा हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम आपकी व्यक्तिगत चर्चा करेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपका बाल्यकाल कैसा था, बचपन कैसा था, माता पिता के बारे में जानना चाहेंगे। आखिर आप जैसे संघर्षवान व्यक्तित्व ने जिस तरह से इंदौर जैसे माहिल्या की नगरी में अपना नाम कमाया, आखिर इसको सार्थक आपने कितने कठिन परिश्रम के साथ किया। मुले जी, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ, बहुत भाग्यशाली समझता हूँ उन सब मित्रों के बीच में जी, कि राजनीति क्षेत्र तो चुनौतियों से भरा होता है। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं इंदौर में, आपका प्रत्यक्ष रूप से इस फील्ड से नाता रहा है। जहाँ तक मैं मेरे राजनीतिक जीवन की बात करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद ईश्वर की विशेष कृपा, असीम कृपा मेरे पर रही ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरा। बहुत छोटे से सामान्य परिवार में रहा हूँ। पिता हुकुमचंद मिल में मजदूरी करते थे, साधारण परिवार था, संघर्ष से बहुत करीबन आता रहा जीवन भर। और इन सब दौरान में माता पिता की तो इच्छा ये थी कि मैं पढ़ाई करके मेडिकल फील्ड में जाऊं, डॉक्टर बनूं। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर को जो मंजूर होता है, बिल्कुल सही कहा, अपने आप परिस्थितियां वैसी बन जाती है, वो दिशा होती है जी। और मैं जब बहुत छोटी उम्र में और कक्षा छठी में अध्ययन करता था, छामारे छावनी में जगन्नाथ स्कूल, जगन्नाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ का विद्यार्थी था। और चूंकि उस दौर में छात्र संघ की राजनीति चरम पर थी, बिल्कुल सही कहा, कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव होते थे, बहुत बड़े बड़े आज के जो हमारे बड़े नेता हैं जिनके हम नाम सुनते हैं, तुलसीराम सिलावट जी हों, सज्जन सिंह वर्मा जी हों, पंकज संघवी जी हों, गोपी कृष्ण नेमा जी हों, ललित पोरवाल जी हों, सुरेश मुंडा जी हों, ऐसे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो आज नेता हैं उस दौर के चर्चित छात्र नेता होते थे। और उस समय का युवा भी काफ़ी प्रभावित इनसे होता था। और हम तो बहुत छोटे थे, राजनीति का तो उस समय अनाराम भी नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे सने सने राजनीति की तरफ बहुत छोटी उम्र से ही झुकाव होता गया, लगाव होता गया। और क्लास छठी में, छठी क्लास की बहुत कम उम्र होती है, मतलब 10 साल का बच्चा, और जगन्नाथ स्कूल में छात्र संघ के चुनाव थे और छठी क्लास में मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए मैं चुनाव लड़ा, सीआर के लिए चुनाव लड़ा। और सौभाग्य की बात है कि मैं स्कूल में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला उस समय सीआर बना, अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव पालने में ही नजर आया। और बचपना था, छोटे थे, उत्साह इतना था, चुनाव जीते और दोस्तों के साथ निकले और खुद ही दौड़ लगाते हुए छावनी चौराहे पे पहुंचे और छावनी चौराहे पे दुकानों से गुलाल वगैरह खरीदा, हार फूल खरीदा और हार फूल खरीद के लेके आए और अपने हाथ से ही हार वार गले में डलवा के सबसे। और फिर छावनी हमारे घर के पास में एक परिवार है जो उनके यहाँ गए और खुद ही साइकिल से ढोलक वालों को बैठा के स्कूल लेके गए और स्कूल से फिर ढोलक बजाते हुए, हार माला पहनते हुए, साथ के मित्रों के साथ में नाचते गाते स्कूल से घर तक आए। ये मेरा मतलब पहला, जहाँ से मैं शुरुआत बोल सकता हूँ कि उस समय राजनीति शब्द समझते भी नहीं, जानकारी भी नहीं थी जी। और वहाँ से जब नाचते गाते घर आए तो घर वालों को भी एकदम बड़ा आश्चर्य हुआ, सरकार हुआ कि हाँ हुआ क्या है। फिर पता चला कि आज स्कूल में चुनाव थे और चुनाव में मैं छात्र प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा था, जीता था, तो बट नहीं चली, घर वालों को भी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर जैसे धीरे धीरे ये सिलसिला चला, कक्षा सातवीं में आया, फिर मैं कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा जी, फिर चुनाव में जीता, कक्षा आठवीं में फिर चुनाव हुए। और उस समय का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, आठवीं में मैं कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव फिर स्कूल में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता। और इसलिए मुझे वहाँ के हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने आठवीं क्लास के लिए वाइस प्रेसिडेंट का पद आरक्षित नहीं था जी,
आठवीं क्लास के जो हमारे प्रतिनिधि जीत के आते थे उनको हम क्रीड़ा सचिव वगैरह या ऐसा ऐसी जवाबदारी देते थे, लेकिन वो मेरे से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने मुझे जो इलेवंथ क्लास के विद्यार्थी को वाइस प्रिंसिपल वाइस प्रेसिडेंट बनाना था उन्होंने मुझे बनाया जी। तो ये सब कहीं ना कहीं स्कूल के फिर टीचरों का भी प्रोत्साहन मिला, परिवार के लोगों का भी ऐसा प्रोत्साहन मिला और धीरे 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 झुकाव राजनीति की तरफ बढ़ता गया। छठी क्लास सातवीं क्लास आठवीं क्लास में छात्र संघ का चुनाव जीत गया है। आठवीं के बाद नाइन्थ क्लास में फिर गुजराती स्कूल, चूंकि गुजराती स्कूल आप जानते हैं बहुत अनुशासित और सब मामले में गुजराती स्कूल में पढ़ना मान का बात होती थी उस जमाने में। जब गुजराती स्कूल पहुँचे उसी के पास कैंपस हमारा गुजराती कॉलेज, जब वहाँ क्रिश्चियन कॉलेज पास में होने के कारण वहाँ पर छात्र संघ के चुनाव का वातावरण चरम पर रहता था और मन में छठी सातवीं आठवीं क्लास में कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव जीते थे, तो ये था कि अब नाइन्थ में भी चुनाव लड़ना है। लेकिन जब गुजराती स्कूल में प्रवेश हुआ तो मालूम पड़ा वहाँ छात्र संघ के चुनाव नहीं होते जी। तो एक बार तो मन को ऐसा लगा कि अरे यार ये तो बड़ा मतलब ऐसा हो गया। तो हमारे कुछ जो विद्यार्थी हमारे मित्र थे नाइन्थ में जो नई नई दोस्ती हुई थी जी। उनके बीच में सबने हमने बैठ के ये तय करा कि यार अपने को आंदोलन करना चाहिए कि चुनाव है। और नाइन्थ क्लास में हमने पहली बार गुजराती जैसे स्कूल में सब मित्रों ने मिलकर वहाँ पर स्ट्राइक कर दिया और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर स्कूल बंद करने की मांग किया और स्कूल बंद करवाया। और हालांकि दो तीन दिन तक हमने संघर्ष किया जी। और बाद में ये हुआ कि हमारे साथ के एक दो मित्रों को हमको प्रिंसिपल साहब ने सस्पेंड कर दिया। अच्छा। कि पहली बार गुजराती स्कूल में किसी ने चुनाव की मांग की और बंद करने का ऐसा आंदोलन किया जी। बाद में फिर परिवार के लोगों को भी बुलवाया, फिर समझाइश भी दी, थोड़ी डांट फटकार भी हुई। तो नाइन टेंथ में तो फिर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं धीरे 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 झुकाव तो था ही और वहाँ जब स्कूल में पढ़ते थे तो कॉलेज के चुनाव से भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो गया। इलेवंथ क्लास के बाद में पाठ्यक्रम में कुछ नियम परिवर्तन हुआ और इलेवंथ ओल्ड कोर्स के विद्यार्थियों को ट्वेल्थ करने के लिए नया जो पाठ्यक्रम था उसके अनुसार उसके नियम अनुसार उसमें उनको ओल्ड कोर्स में बैठना था। कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं दिया क्योंकि उसके पहले इलेवंथ पास आउट करने वालों को कॉलेज में एडमिशन देते थे। ये बात जब ध्यान में आई तो हमारे कुछ मित्र अनिल सोनवणे हमारे मित्र हैं, LIC थाने के सामने उनका निवास है, तो उन्होंने हमने और कुछ मित्रों ने मिलकर प्लान किया कि इलेवंथ ओल्ड कोर्स के विद्यार्थियों को कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। इस बात को लेकर हमने एक छात्र आंदोलन उस समय एक अलग से छात्रों की एक टीम बनाई हमने और एक संस्था बना के इंदौर के रिगल टाकी चौराहे पे एक आंदोलन शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि वो मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं और वो शायद मैं जीवन भर कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में हमने वहाँ 18 दिन तक आंदोलन चलाया मूसलाधार बारिश की। मूसलाधार बारिश में हम दिन रात वहाँ बैठे रहे, कई बार टेंट फट गया, फटे हुए टेंट में बैठे रहे और तुकोगंज थाने के TI थे वहाँ पर, उस समय में नाम थोड़ा सा मुझे ध्यान से उतर रहा है, लेकिन वो हमको बहुत सपोर्ट करते रहे जी। रात को 11 बजे 12 बजे हमारे साथ आके बैठते थे, हम लोगों की परेशानियाँ भी सुनते थे। मैं और मेरे साथ के एक मित्र थे हमारे गोपाल यादव, उस समय हम दोनों भूख हड़ताल पर बैठे जी। हमने भूख हड़ताल का ऐलान किया कि हम भूख हड़ताल, और हमने 8-9 दिन तक भूख हड़ताल की, लेकिन चूंकि अब बचपना था उम्र बहुत कम थी तो दिन में तो भूख हड़ताल करते थे, रात को कई बार TI साहब हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले आते थे कि तुम अभी खा लो, डरो मत, मैं बैठा हूँ, सवेरे डॉक्टर को बुला के चेकअप भी करवा देंगे। बहुत अच्छा। तो ऐसा उनका हमको सहयोग मिलता था, लेकिन वहीं दूसरा एक चीज़ और उस समय ये देखने को मिली जो कहीं ना कहीं मुझे अभी ऐसा लगता है कि शायद उस चीज़ की रिक्तता या कमी आई है जी। हमारे उस समय के जो बहुत सीनियर लीडर थे आदरणीय हमारे स्वर्गीय निर्भय सिंह जी पटेल जी, कैलाश जी विजयवर्गीय जी, प्रकाश जी सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता थे, बड़े नेता थे, लेकिन प्रतिदिन शाम को हमसे वहाँ मिलने आते थे। निर्भय सिंह जी पटेल साहब डेली शाम को एक उन्होंने नियम बनाया था कि पूरे 18 दिन तक हमसे आना, हमारे से समस्याएं पूछना, हमारे से बातें करना,
और दूसरे दिन हमारे को फिर गाइड भी करना। कैलाश जी का मुझे ध्यान है कि नगर निगम की गाड़ी में उसमें जीप में बैठ के आते थे। अच्छा, उस समय नगर निगम की शायद वो समिति के अध्यक्ष, स्टैंडिंग कमेटी के शायद अध्यक्ष थे, और नगर निगम की जीप थी उसमें वो आते थे रोज़ शाम को हमसे मिलने। प्रकाश सोनकर जी रोज़ हमसे मिलने आते थे, उनके साथ में जगमोहन वर्मा जी और उमेश शर्मा जी होते थे, निर्भय सिंह जी के साथ में ललित पुरवाल जी होते थे, हमारे रमेश मेंदोला जी कैलाश जी के साथ आते थे। जब ये बहुत कम उम्र इनकी भी थी और हम तो बहुत छोटे बच्चे थे, लीडर थे, लेकिन सबसे मिलते थे। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री होते थे उस समय जी। फिर कभी हम लोग वहाँ से रैली निकाल के, कन्हैयालाल जी यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष थे जी, अपने सुरेश सेठ जी उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो रोज सवेरे इनके घरों पे जाना, प्रदर्शन करना, कभी थाली बजाना बजाना, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमको इनका भी सहयोग मिलता था। अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो हम उनसे मिलने रेसिडेंसी गए, कैलाश जी भी हमारे साथ थे, प्रकाश सोनकर जी भी हमारे साथ थे, और जिस प्रकार से हमारी विद्यार्थियों की बातों को लेकर उन्होंने जो मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी से जिस प्रकार से उनकी टॉक हुई और हॉट टॉक हुई, मतलब काफ़ी विषय को लेकर, जब उन्होंने अर्जुन सिंह जी ने थोड़ा सी टालने का प्रयास किया और उसी समय प्रकाश सोनकर जी और कैलाश जी, ललित पोरवाल जी, इन लोगों ने उनसे बिल्कुल वहीं पर उनको रोक लिया, मुख्यमंत्री जी को आगे नहीं बढ़ने दिया रेसिडेंसी में। तो ये सब चीज़ें चूँकि हम तो बच्चे थे और हमारे लिए बहुत नई चीज़ भी थी, लेकिन वो सीखने के लिए भी बहुत कुछ थी। तो कम उम्र में और ऐसे जाने या अनजाने में राजनीति से जुड़े और इतना सब देखने को और समझने को मिला, तो धीरे धीरे झुकाव भी बढ़ता गया, इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। और उसके बाद में जैसे भी आपने कहा ना कि पूत के पांव पालने में नज़र आते हैं, शायद हो सकता है जगमोहन वर्मा जी हमारे उस समय युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, उनको ऐसा लगा कि ये लड़का काम का है, उन्होंने मुझे धीरे 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 युवा मोर्चा के कार्यक्रमों में बुलाना शुरू किया। स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, उस समय 11th में थे, फिर हम 12th में आए, और तो कभी कभी उनके कार्यक्रमों में चले आना, उनके आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और संयोग से उसी समय फिर राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई। राम जन्मभूमि आंदोलन की जब शुरुआत हुई और 89 फिर और उसी समय हमारा कॉलेज में प्रवेश हुआ। बिल्कुल सही कहा। जब राजेश जी आपको हमने जब एक बाल्यकाल से ही राजनीति का खग सुनाते देखा है, आज जिस तरह से आप पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं अपने बाल्यावस्था का, क्योंकि छठी कक्षा का छात्र, मुझे नहीं लगता कि छठी के, अब तो आठवीं कक्षा के छात्र भी पास के दुकान से दूध लाने भी नहीं जा पाते, और उस उम्र में आपने शायद राजनीति का खग आत्मसात कर लिया था। आपको बड़े नेताओं का आशीर्वाद भी मिला, आपसे नेतागण रोज मिलने आते थे, और आज उस दिन की चमक, छठी कक्षा के राजेश सोनकर जी की आँखों की चमक आज भी 51 साल की उम्र में स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूँ। आप देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कब आए, चुनावी राजनीति में कब आए, इस बीच छात्र राजनीति की आपने ढेर सारी बातें बताई, पूरा शहर अच्छे से जानता है। यदि छात्र राजनीति की बात आती, हम जैसे उम्र के जो लोग हैं, जो 40-45 साल के, वो तो आप ही का नाम सुन के, छात्र राजनीति में तो आप ही का नाम उन लोगों ने सुना है, सीनियर्स का नाम आपने सुना हुआ है, कब आप छात्र राजनीति में आगे बढ़े? 89 में जी इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में हमारा एनरोलमेंट हुआ जी। शुरुआती दौर में तो काफ़ी कुछ नया माहौल था वहाँ पे कॉलेज में, अपने आप को परिचय कराने में समय तो लगता है, लेकिन हमने वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। गुजराती कॉमर्स कॉलेज में एक बार हम लोग कुछ विद्यार्थी आपस में चर्चा कर रहे थे, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर करते रहते थे, क्योंकि राजनीति अपने आप में कहीं ना कहीं जैसा कहा कि अब वो अंदर रच बस गई थी, बिल्कुल सही, तो कोई ना गतिविधियाँ चलती रहती थी। उसी समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कश्मीर बचाओ आंदोलन भी चल रहा था, और उस संदर्भ में आज के जो हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल जी, तो कम मुझे ध्यान अच्छे से, कमल पटेल जी एक लूना होती थी, लूना पे कॉलेज में संपर्क वहाँ करने आते थे, और उनके साथ में हमारे राजेंद्र जी गर्ग जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री थे उस समय, और आजकल वर्तमान में अभी वो हिमाचल प्रदेश में विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं राजन जी, कैबिनेट मंत्री भी हैं हमारे लिए। मैं उनके सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर मिला, आदरणीय शोभा दीदी, हमारी शोभा दीदी पैठण कर जी,
हमारी दीदी के सानिध्य में हमें काम करने का मौका मिला। तो जिस समय मैं गुजराती कॉलेज कैंपस में उनके संपर्क में आया तो कमल जी मुझे लूना पर बैठाकर विद्यार्थी परिषद कार्यालय ले गए। विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर पहुंचने के बाद पहली बार उस दिन विद्यार्थी परिषद की किसी बैठक में और सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला। फिर चूंकि कश्मीर आंदोलन जैसा विषय था और निश्चित रूप से उस आंदोलन से जुड़ने का भावनात्मक रूप से भी और बड़ा जोश भी था कि ऐसे राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने का सौभाग्य अपने को हमको मिला। तो धीरे 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 फिर उस आंदोलन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। बाद में एक बड़ी टीम, बड़े कार्यकर्ताओं का समूह हमारा, उसमें सब हम एक उम्र के ओम प्रकाश यादव जी, महेश पालीवाल जी और ऐसे बहुत बड़े हमारे सभी मित्रों का, क्रिश्चियन कॉलेज गुजराती कॉलेज में हम लोग काम देखते थे। महेश पालीवाल जी हमारे यूनिवर्सिटी में होलकर कॉलेज में काम देखते थे। ऐसे हमारे और अन्य मित्र थे जो अन्य कॉलेजों में काम देखते थे। फिर हम सब लोगों ने साथ में विद्यार्थी परिषद का काम किया। चूँकि मैं क्रिश्चियन कॉलेज में उस समय काम देख रहा था विद्यार्थी परिषद का, और क्रिश्चियन कॉलेज परंपरागत रूप से कांग्रेस का एक गढ़ रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज लोगों का हस्तक्षेप हुआ शुरू से। और हमने ये सुना था कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कोई छात्र संघ या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता था क्रिश्चियन कॉलेज में। और वो संघर्ष प्रत्यक्ष रूप से उसकी अनुभूति मुझे है, क्योंकि मैंने भी उसको भोगा है। जब हम शाम में क्रिश्चियन कॉलेज में काम करते थे तो कई प्रकार की कठिनाइयां हमको आती थी उसमें, और कॉलेज प्रशासन का भी सहयोग किसी प्रकार से नहीं मिलता था। कांग्रेस की सरकार होती थी तो पुलिस प्रशासन का भी हमारे पे दबाव होता था। कई बार झूठी शिकायतें हमारी थानों पे होती थी, ऊपर से प्रेशर होता था। और खुजनेरी साहब छोटे गोटे थाने के टीआई थे जी, मुझे ध्यान है। एक बार उन्होंने दो सिपाहियों को भेज के मुझे थाने पर बुलवाया, जिस समय मैं बीए फाइनल का स्टूडेंट था। शाम को 6 बजे पुलिस के रोल कॉल के समय हम थाने पहुंचे। टीआई साहब ने मुझसे पूछा कि आपका नाम मैंने बताया, राजेश सोनकर। बहुत गौर से मेरे चेहरे पर देखने के बाद फिर उन्होंने मुझे बैठने का कहा, बोला बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो बीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। तुमने बताया तुम विद्यार्थी हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ 18 कंप्लेंट मेरे खिलाफ लिखित, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। तो मिला साहब मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। तो बोले आपके खिलाफ हर 3-4 दिन में एक कभी, हाँ अब या तो किसी को उकसा के किसी को भड़का के करवाई जाती थी। कभी कभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज चूँकि पुरानी बात है, कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी, कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी शिकायत चली जाती थी। तो उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता था कि ऐसा कौन है जिसकी इतनी शिकायतें। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि उस समय के जो थाना प्रभारी थे खुजनेरी साहब, वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। और खुद के विद्यार्थी जीवन की का उन्होंने उदाहरण दिया कि जब हम भी विद्यार्थी थे और हम छात्र आंदोलन करते थे तो हमारे सामने भी परिस्थितियाँ बनती थी, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही काम करते रहो। उन्होंने उल्टा मुझे पीठ दबा के अप्रिशिएट किया, मेरी प्रशंसा करके मुझे भेजा। तो सहयोग से अच्छे लोग और उनका प्रोत्साहन भी ऐसा मिलता रहा। और क्रिश्चियन कॉलेज जैसी चुनौती वाले क्षेत्र में हमने काम किया। एक और बहुत अच्छा विषय मुझे ध्यान आया, जो मतलब वो भी मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण छात्र जीवन का विषय मैं बोल सकता हूँ। जब माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मुकेश नायक जी शिक्षा मंत्री थे, नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी उस समय ऊर्जा मंत्री थे, बिल्कुल सही, क्रिश्चियन कॉलेज में अतिथि के रूप में वो आए थे। अब वहाँ पर छात्रों के समूह को लेकर कुछ ऐसा विवाद हुआ कि भाई हम भी ये चाहते थे कि चूँकि कॉलेज का कार्यक्रम है तो सभी विद्यार्थियों को कॉलेज के जितने सबको पार्टिसिपेंट करने का या उस अवसर पर अतिथियों से मिलने का और इस प्रकार से अवसर मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ दुर्भाग्य से कोई व्यक्ति विशेष या संगठन के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया और हमारे से जुड़े हुए जितने छात्र थे उनको दरकिनार करने की कोशिश की, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और हमने उसी समय इस बात का पूरा विचार करके प्लान किया कि हम इस कार्यक्रम को विरोध दर्ज कराएंगे। छात्रों के बीच में हमेशा काम करने का स्वभाव रहा है, छात्र छात्राओं में बड़ा अच्छा इसने उनका आशीर्वाद रहा, प्रेम मतलब साथी से साथी विद्यार्थियों का बड़ा इसने और प्रेम मुझे रहता था और मेरी बात मानते थे, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो उसी समय मैंने सब मित्रों के साथ मिलकर तय किया कि आज जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ होगा, कार्यक्रम के प्रारंभ होने के जैसे अतिथि मंच पर आएंगे, अतिथि के स्पीच शुरू होने के पहले हमको बहिष्कार करना है जी।
पहले गए हम कार्यक्रम में बैठे, और कार्यक्रम में बैठने के बाद में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद उसमें उस समय सुभाष यादव जी भी हमारे जो प्रश्न थे वो भी मंच पे थे, मुकेश नायक जी और प्रजापति जी चूँकि क्रिश्चियन कॉलेज के विद्यार्थी रहे पुराने, और शिक्षा मंत्री मुकेश नायक जी तो ये मंच पर आए, और मंच पर स्वागत वगैरह के बाद जैसे ही मुकेश नायक जी को स्पीच के लिए बुलाया जी, वैसे पूरी प्लानिंग के तहत मैं सबसे पीछे बैठा था पंडाल में, मैं वहाँ से उठा और नारे लगाते हुए जैसे ही मैं आगे आया तो पुलिस ने मुझे घेर लिया, क्योंकि पुलिस के लोगों को उस समय तक मालूम भी पड़ गया था कि हम कुछ करने वाले हैं, तो मेरे आसपास में पुलिस का घेरा बन गया था। और जैसे ही पुलिस ने मुझे पकड़ा और पकड़ के पंडाल के हम बाहर निकले तो पूरा पंडाल लगभग 99% विद्यार्थी जितने भी छात्र छात्राएं थे सब नारे लगाते हुए मेरे पीछे कार्यक्रम के बाहर आ गए। और कार्यक्रम की स्थिति यह हुई कि अतिथि मंच पे, चूंकि विद्यार्थी अब कोई सामने रहा नहीं, पंडाल पूरा खाली हो गया, बोलने किसको, कार्यक्रम वहीं उनको समाप्त करना पड़ा, और जो कि शिक्षा मंत्री जी बोलने खड़े हुए बगैर बोले वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए और ये कार्यक्रम समाप्त हो गया। दूसरे दिन कुछ विद्यार्थियों को जो हॉस्टल के विद्यार्थी थे उनका हमारे कॉलेज प्रशासन ने मेरी व्यक्तिगत कंप्लेंट करने के लिए फिर मुकेश नायक जी के पास में और संबंधित जो मंत्री अतिथि बन के आए थे उनके पास भेजा, और जब वहाँ गए उन्होंने मेरी शिकायत की तो वहाँ के जो कुछ और विद्यार्थी साथ में गए थे उन्होंने मुझे बताया, मुकेश नायक जी का ही वर्ड था, मेरा उनसे व्यक्ति परिचय नहीं था, पिछली बार सौभाग्य से मैं जब विधायक था वो भी कांग्रेस के विधायक थे, तो हम मुझे साथ में विधानसभा में उनके साथ बैठने का अवसर मिला 5 साल, लेकिन उस समय तो मैं बहुत छोटा बच्चा था उनके सामने जब वो मंत्री थे, तब उन्होंने ये शब्द कहा था कि अगर कोई एक विद्यार्थी तुम्हारे कॉलेज में उसका इतना होल्ड और इतना प्रभाव इतना काम कर सकता तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम उसकी शिकायत करने क्यों आए, बल्कि तुमको उससे कुछ सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। तो ऐसा संघर्ष का दौर। डॉक्टर रायेश जी, आप बड़े सौम्य, सरल और सादगी पसंद आपका यूं व्यक्तित्व है, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सादगीपूर्ण व्यवहार आपका छलक छलक के बाहर निकल रहा है और हम उसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमने भी एक दौर देखा जब आप छात्र जीवन में थे, छात्र राजनीति करते थे, तो एक आपकी एक दबंग छवि देखी जाती थी, ये गोलमाल क्या है? दबंगता, चूँकि जैसा कहा कि छात्र राजनीति में शुरू से मेरा बहुत ज़्यादा वो रहा है, और विद्यार्थियों के हित के लिए लड़ना ये हमने विद्यार्थी परिषद में हमने सीखा, कहीं पर भी अगर विद्यार्थियों का विषय आता था तो हम उसमें समझौता नहीं करते थे, हम उसमें आगे चल के लड़ते थे, क्योंकि क्रिश्चियन कॉलेज का एक अपना अलग माहौल हुआ करता था, उसकी पहचान अलग थी, क्रिश्चियन कॉलेज में आउटसाइडर्स लोगों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हुआ करता था वहाँ के हॉस्टल्स में, वहाँ के कॉलेज में, और ये चीज़ हम लोगों को पसंद नहीं आती थी। तो कुछ विद्यार्थी मित्रों ने हमने मिलकर तय किया था कि क्रिश्चियन कॉलेज में हम आउटसाइडर्स का इंटरफेयर बिल्कुल नहीं चलने देंगे, और शायद इसीलिए कुछ ऐसे नामी चेहरे, कुछ पुराने छात्र नेता भी थे जो बाहर राजनीति में स्थापित हो गए थे, कुछ उनके साथ में ऐसे असामाजिक तत्व जैसे भी कुछ लोग आते थे, तो हमने फिर दबंगता से उनका वहाँ पे बहुत विरोध किया, और उनका शायद इसी कारण कहीं ना कहीं लीडर वाली छवि, दबंग छवि जो है लोगों के सामने ही। आप काफ़ी स्थापित राजनेता कहलाए छात्र जीवन में, उतने ही स्थापित कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आने के साथ हुए, प्रकाश सोनकर जी से आपका मेल मिलाप और शुरुआती दिनों की कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे, कितना कैसे उनके विचारों से आप प्रभावित हुए, किस तरह उनकी टीम का एक अहम हिस्सा बने, एक बार तो ऐसा लगा कि प्रकाश सोनकर जी के असल उत्तराधिकारी राजेश सोनकर जी हैं। मेरे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव आदरणीय प्रकाश सोनकर जी का है, मैं बहुत सम्मान उनका करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैंने राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कुछ सीखा जी आदरणीय प्रकाश जी से मैंने सीखा, और बहुत नज़दीक से मैंने उनको काम करते हुए देखा, इसलिए मेरी जो कार्यशैली है, काम करने का जो तरीका है, काफ़ी कुछ उनसे प्रभावित है, हालांकि मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके पदचिन्हों पर चलने का मैं प्रयास भी करता हूँ, उनसे जो मैंने सीखा है। छात्र राजनीति में जब हम काम करते थे उनका बड़ा स्नेह और आशीर्वाद हमको मिलता था, बड़ा सहयोग उनका मिलता था हमें। मुझे ध्यान है एक बार जब छात्र संघ चुनाव में क्रिश्चियन कॉलेज में हम चारों पोस्ट जीते, पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहली बार चारों पोस्ट वहाँ से चुनाव जीत कर आई, उसमें बहुत संघर्ष भी हुआ, काफ़ी हमारे को कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार का प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के जो NSCI के विद्यार्थी मित्र थे हमारे, उनको सहयोग था, बड़े नेताओं का जो उस समय के अभी पूर्व विधायक हैं उस समय कांग्रेस के विधायक थे उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, उनका अधिकारी उनके पूरी तरह से प्रभाव में थे, लेकिन हम सब विद्यार्थी मित्रों ने मिलकर खूब ज़बरदस्त उनका विरोध भी किया, सामने भी किया, और चुनाव जीत के आए, और ऐसे समय जब उनको प्रकाश जी को मालूम पड़ा तो वो बड़े प्रसन्न भी हुए और नाराज़ भी हुए, बोले जब तुमने
वहाँ पर क्रिश्चियन कॉलेज में ऐसा माहौल था, ऐसा वातावरण था, तुम अकेले थे तो कम से कम मुझे बोलना तो चाहिए था, मेरे से मुझे बताना चाहिए था। और हमें इसी बात की खुशी है कि उनको बताने के अलावा हम उनका इतना हमारे को मार्गदर्शन और सहयोग भी रहता था कि हम उनके नाम से काफ़ी कुछ काम उस समय कर लेते थे। एक विश्वास था कि पीछे कोई बोलने वाला ऐसा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है तो हम किसी भी गलत चीज़ के सामने लड़ने और विरोध करने में चमकते नहीं थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे को, और एक और बहुत अच्छी मुझे ध्यान में आई, जैसा आपने छवि की बात करी कि दबंग छवि थी, तो दबंग छवि इसीलिए थी कि गलत चीज़ को बर्दाश्त करने की आदत नहीं थी। गुजराती साइंस कॉलेज में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था, हमारे कृष्ण कॉलेज के भी कुछ विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि आज चूँकि गुजराती कॉलेज में कॉम्पिटिशन है, उसमें अपने को चलना है, और कुछ अंदेशा था कि शायद वहाँ पे पार्शलिटी हो सकती है, और कहीं ना कहीं होती भी है थोड़ी बहुत होती है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो हैं आदरणीय श्रवण गर्ग जी, उसके चीफ गेस्ट थे हम लोग वहाँ पहुँचे। और मैं उस समय, हम चूँकि विद्यार्थी थे, बहुत ज़्यादा समझते नहीं थे श्रवण गर्ग जी के बारे में, नाम सुना था लेकिन बहुत गंभीरता से जानकारी नहीं थी कि श्रवण गर्ग जी क्या है उस समय। उस समय के राय शंकर जी घुंघराले बाल वाले थे इसलिए किसी को कुछ समझते नहीं थे। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी एक उम्र थी और एक समझ थी तो वही मैंने बता दिया ना आपको कि उस समय के राय शंकर जी घुंघराले बाल वाले थे, बॉडी बिल्डर थे, इसलिए किसी को कुछ समझते नहीं थे। आगे कंटिन्यू कीजिए। बोले जी आप तो बिल्कुल। तो जब हम वहाँ पहुँचे जी, और हमने देखा कि वास्तव में वहाँ पे कुछ ना कुछ पार्शलिटी हो रही है जी। जिस स्टूडेंट को वहाँ पे प्रतियोगी को प्रथम या सेकंड नंबर आना चाहिए था वो थर्ड या फोर्थ पे गया, और जिसकी लोगों ने हुटिंग की जी, उसको प्राइज किया। तो ये चीज़ देख मतलब कहीं देखने में अच्छी नहीं लगी, और मैं तुरंत उस समय सीधे दौड़ लगा के मंच पर गया, और मंच पर जाकर मैंने माइक जो वहाँ के संचालक थे उनके हाथ से माइक छीना, और माइक छीन के सबसे पहले मैंने वहाँ नारे लगाया, उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद में जो चीफ गेस्ट थे आदरणीय श्रवण गर्ग जी, उनसे उनको मैंने मतलब उनकी तरफ उनको इंडिकेट करते हुए मैंने अपनी बात रखी कि मैं सम्मान्य अतिथिगणों से ये आग्रह करता हूँ कि हम जिन विद्यार्थियों का नाम ले रहे हैं एक बार उनको वापस मंच पर बुलाया जाए, और हाँ। ये जिनको पुरस्कार दे रहे हैं उनको बुलाया जाए, और चारों की पोजिंग करवाई जाए। बिल्कुल। उसके बाद पब्लिक पे छोड़ देते हैं, पुरस्कार आपको जिन्हें देना आप उनको देना, हम पुरस्कार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन जो गलत हो रहा है, गलत डिसीजन हो, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और जब हमने इस चीज़ का विरोध किया तो अल्टीमेटली उस कार्यक्रम को उनको निरस्त करना पड़ा। बाद में फिर मन में थोड़ा सा डर भी लगा कि इतने सीनियर पत्रकार यहाँ पर अतिथि के रूप में बैठे हैं, और अपन ने जिस प्रकार से एकदम मुझे तो नहीं लगता राय जी कि आपको डर लगा होगा, क्योंकि मैंने खुद ने आपको देखा हुआ कृष्ण कॉलेज प्रांगण में, आपका स्टाइल देखा हुआ, आपका निडर व्यक्तित्व देखा हुआ, जिस तरह से आप दबंग छवि के साथ में कॉलेज स्टूडेंट के साथ में पॉलिटिक्स करते थे, और आज हाली भली आप बड़े सरल सौम्य एक साधारण यूँ कहे कि असाधारण व्यक्तित्व के साथ में भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बतौर विधायक रहे हैं। किस तरह शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी में, कौन सा वो मूवमेंट था, प्रकाश सोनकर जी ने कब आपका हाथ थामा कि आप छात्र राजनीति को अब अलविदा कर दीजिए? हालांकि मुझे नहीं लगता कि आज भी आप छात्र राजनीति को अलविदा कर चुके होंगे, आज भी आपका दिल धड़कता होगा छात्रों के लिए जब भी कोई अन्याय या किसी छात्र के साथ उसकी बात नहीं सुनी जाती होगी या पार्शलिटी होती होगी छात्रों के साथ में। कब वो शुरुआत हुई प्रकाश सोनकर जी के साथ में, कब आपने सावेर के विधानसभा में इंटरफेयर शुरू किया, लोगों का काम करना शुरू किया, लोगों की मदद करना शुरू की? सीधी छात्र राजनीति के दौर में, जब जैसा मैंने बताया कि कई बार ऐसी स्थिति, कई बार ऐसे मोमेंट बनते थे, कई चीज़ें मन को ऐसे अच्छे नहीं लगता था कि कोई चीज़ है और अपन यहाँ पर किसी की मदद कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और वैसे जहाँ तक बदलाव की आपने जो बात बोली कि जो समय की जो छवि थी, काम करने की जो स्टाइल थी, जो खुश थी, उसमें मैं समझता हूँ अगर बदलाव का कोई कारण है तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद, एक विचार से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत तेज़ी से बदलाव आया। बिल्कुल सही। और विद्यार्थी परिषद से मैं काम करते करते फिर 97-98 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा। जी। भारतीय जनता युवा मोर्चा में नगर मंत्री, फिर नगर उपाध्यक्ष, और ऐसे इस प्रकार से मेरे को कुछ जवाबदारियाँ मिली। और उसी दौरान जैसे बीच बीच मैंने आपसे बताया कि कई बार हमारा राम जन्मभूमि वाला जो आंदोलन था, उस समय भी हमने शिला पूजन वगैरह, उस समय दोनों बार मैं कार सेवा में गया। प्रकाश सोनकर जी के साथ में मुझे पहली कार सेवा में जाने का अवसर मिला था, जब वो गए तो उनके साथ में हम लोग सब कार सेवा में गए थे। और एक
दो बार किसान आंदोलनों में मेरा आदरणीय प्रकाश सोनकर जी के साथ में जाना हुआ। नुक्कड़ सभाएं युवा मोर्चा की एक बार चल रही थी और उस नुक्कड़ सभा के समय में ठेली पर चीलम जो होते हैं माइक बांध के हमने और बैटरी उस पर रख ली और गली और मोहल्ले के चौराहे पर हम उसमें सभाएं कर रहे थे, शिला पूजन कर रहे थे। और उसी दौरान हमारे कुछ कार्यकर्ता थे, उनका किसी बात को लेकर विवाद छावनी थाने के TI और उस समय नाम मुझे बताने में संकोच नहीं हुआ कि कक्कड़ जी जो अभी OSD थे प्रमाण कक्कड़ जी समेत थाना इंचार्ज थे थाने के और जगमोहन वर्मा जी हमारे युवा मोर्चा का काम करते थे। तो कार्यकर्ताओं की बात को लेकर कुछ उनसे विवाद हुआ और विवाद होने के बाद में हम 21 लोगों को वहाँ छावनी थाने के अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर उस समय प्रकाश सोनकर जी, विष्णु प्रसाद शुक्ला जी, सत्यनारायण सत्यन जी, राजेंद्र धारकर जी यही नेता होते थे जो बिल्कुल सही कहा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो है इंदौर शहर में लगाना और स्थापित करने का काम देखा जाए तो आप लोगों ने किया। तो ऐसा दो तीन बार जब हमने देखा उन जिस प्रकार से वो थाने में आए, थाने में आने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ में उनका जो विवाद हुआ, विवाद के बाद में फिर हम लोगों की मदद करके कार्यकर्ताओं को छुड़वा के वो ले गए। ऐसा एक दो नहीं तीन चार पांच बार ऐसे मूवमेंट आया जब हमारा पुलिस प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों से आंदोलन के समय और ऐसे समय पर जो विवाद हुआ और विवाद के समय जब उन्होंने हमारा साथ हमारा सहयोग भी किया और फिर हमारे काम करने की जो तरीका था उसको उन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया, तो धीरे 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 कहीं ना कहीं वो जुड़ाव भी होता गया और उनका भी विश्वास बढ़ता गया। उन्होंने भी देखा कि जो हमारे काम करने का तरीका है, जो शैली है, उनको कहीं शायद अब चूंकि पारखी लोग थे, पुराने नेता थे, वो समय ऐसा था कि उस समय में अगर इसी तरह से इसी गति से आगे बढ़ते तो पार्टी स्थापित हो पाती, पार्टी का काम भी स्थापित होता है जो आपने किया। 2003 तक जब सामर विधानसभा का चुनाव था, प्रकाश सोनकर जी जब लगभग 19,000 से अधिक मतों से चुनाव राजन मालवीय जी के सामने चुनाव जीत कर आए थे, तब मैं उनके साथ में सामर विधानसभा में मैंने शुरुआत की थी। उसके पहले तक तो विद्यार्थी जीवन में हम विद्यार्थी परिषद कार्यक्रमों से के माध्यम से जाते थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से फिर युवा मोर्चे की राजनीति कुछ समय करने के बाद फिर सामर विधानसभा में 2003 से मैंने प्रत्यक्ष रूप से फिर उनके साथ में जाना आना शुरू किया। और लगभग बहुत सारे कहीं ना कहीं जो प्रकाश जी को खुद को ऐसा एहसास होता था कि उनके अब्सेंट में कुछ काम में शायद कर देता था, राजनीतिक उत्तराधिकारी एक अलग विषय है, पारिवारिक विरासत को संभालना एक अलग विषय है। वो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि राजनीतिक उत्तराधिकारी के बतौर राजेश सोनकर जी सफल हुए प्रकाश सोनकर जी के। हाँ, मैं मेरा जहाँ तक उनका जो नाता रहा, जो रिश्ता रहा, वो तो एक उनका बड़ा स्नेह मेरे पर था ही, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के बतौर में जाता रहा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज भी बताते हुए इस बात की प्रसन्नता होती है कि जब मैं युवा मोर्चा में काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष राजनीति में आया, मुझे हर मामले में मदद करते थे, लेकिन एक विषय में हमेशा बोलते थे कि जीवन में मेहनत तुम्हें ही करना है और कहीं भी किसी पद को पाने के लिए मेरे से उम्मीद नहीं करना कि मैं तुम्हारा नाम किसी पद के लिए रखूंगा कि उनको ये जवाब दे दिया हो, तुम्हारे को उस अपनी मेहनत करके उस काम को करना है। हालांकि उनका इसमें सहयोग से रहता था, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया था कि तुमको जो भी कुछ प्राप्त करना है वो अपनी मेहनत से करना है, और उनका स्वभाव भी था। लेकिन एक बात बोलूँगा मैं यहाँ पर कि डॉक्टर राजेश सोनकर जी या स्वर्गीय श्री प्रकाश सोनकर जी के नाम, इनके नाम ही इतने ज़बरदस्त तरीके से इंदौर माहिल्या की नगरी में चले और इतने सिक्के के साथ चले कि मुझे नहीं लगता इन दो नामों को कम से कम उस दौर में किसी पद की जरूरत पड़ी। सही बात है, जो काम करने वाले होते हैं उनका कोई मार्ग रोक नहीं सकता, रास्ता रोक नहीं सकता है, सफलता निश्चित रूप से उनको मिलती है, कुछ किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, लेकिन काम करने वालों का को मिलती है निश्चित रूप से। और प्रकाश जी खुद भी कर्मवीर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत काम किया है जिस पर से और विपरीत परिस्थितियों में काम किया, और उसी समय उनका सानिध्य हमें मिला, उनको हमने जिस समय से काम करते हुए देखा और जिस दौर और जिस प्रकार से जिस शैली में वो काम करते थे, तो हम लोग भी सब उनसे बहुत प्रभावित थे और उसी शैली में हम काम करते थे। तो जो मिलना चाहिए था समय पे, मैं तो सभाशैली वो सब मिला भी। आप प्रकाश सोनकर जी के साथ बहुत लंबा वक्त बिताया, आपने कई विधानसभा चुनाव में उनके लिए काम किया, उन चुनाव में भी काम किया और आपने खुद ने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो तुलसी भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा, खूब जमकर चुनाव लड़ा, और मुझे लगता है सावेर विधानसभा का एक चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसका कहीं कोई
परिभाषित नहीं किया जा सकता है जिस तरह से वहाँ चुनाव होता, बिल्कुल कट टू कट चुनाव होता, दू पे दू जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अब पूरा परिदृश्य बदला हुआ है। आपने जब चुनाव लड़ा तब भी दू पे दू चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं आप चुनाव लड़े, बहुत अच्छे मत लाए और बराबरी से लड़े। यूँ कहे कि थोड़े से ज़्यादा और तुलसी भैया को मिल गए और वो विधायक बन गए, वो मंत्री बन गए। आज फिर उसी दोहराए पर आप खड़े हैं, तुलसी भैया के लिए काम कर रहे हैं, जिनके लिए जीवन भर यूँ कहे कि पूरे 40 वर्षों तक, चार दशकों तक कांग्रेस के खिलाफ आप बोलते रहे, तुलसी भैया के खिलाफ बोलते रहे, और अब फिर वापस मौका ऐसा आ गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया राजनीति में मध्य प्रदेश की कि आज तुलसी भैया साथ साथ है आपके, कितना संकोचित करता है पूरा घटनाक्रम? देखिए तो जीवन अनिश्चितताओं का दौर जीवन में होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके और हमारे हाथ में नहीं है, वो तो समय और काल और परिस्थितियों के हिसाब से ही सब कुछ तय होता है। ये बात सही है कि 85 में प्रकाश सोनकर जी और तुलसीराम सिलावट जी पहला चुनाव एक दूसरे के सामने लड़े, द्वंद का चुनाव, दोनों परंपरागत प्रतिद्वंदी रहे, बिल्कुल अलग विचारधारा, और उस समय का तो जो माहौल जो था, नेचर जो था सामने विधानसभा का, मैं समझता हूँ कि बहुत संवेदनशील सीट भी थी, आर्म्स पावर वाली इलेक्शन होते थे उस समय दोनों तरफ से, और 85 में 89 में 93 में तीन चुनाव लगातार वो लड़े। पहला चुनाव तुलसी सिलावट जी ने प्रकाश सोनकर जी को हराया था, उसके बाद लगातार दो चुनाव प्रकाश सोनकर जी ने उनको हराया, और उस समय का जो वातावरण था और आज का जो वातावरण है, मैं समझता हूँ उसमें बहुत अंतर भी है, अनिश्चितता का वातावरण, और अब पीसफुल इलेक्शन हमारे यहाँ होने लगे हैं, मतदाता और कार्यकर्ताओं की भी कहीं ना कहीं बहुत सारी अब चुनाव में भूमिका इस प्रकार की रहती है कि उसको नहीं चाह के भी अब इन सब चीज़ों के लिए अब कोई, मैं समझता हूँ कि जगह नहीं बची है। अब तो जो है जो माहौल है उसके हिसाब से ढलना पड़ता है, और इसीलिए शायद परिस्थिति बहुत तेज़ी से चेंज हुई है, कहीं ना कहीं आपने जितना परिचय दिया है खुद के विवेक का, पार्टी संगठन के प्रति आपने जिस तरह से, कहने को तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि उनके हिस्से में शायद नीलकंठ की जहर आया, लेकिन असल जहर तो आप जैसे कार्यकर्ताओं ने पिया है, क्या कहेंगे? नहीं, जहर नहीं, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। हमने अपने बुजुर्गों से, बड़े नेताओं से यही सुना है कि संगठन त्याग से खड़ा होता है, पाने से नहीं। अगर हर कार्यकर्ता की भावना ये होगी कि मुझे संगठन से हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहे, हमेशा संगठन से कुछ ना कुछ मिलता रहे, तो संगठन कैसे खड़ा होगा? बिल्कुल, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पार्टी ने कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ने का अवसर दिया, मुझे दो दो बार विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया, मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा में वार्ड से लेके मंडल और नगर के बाद में फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष में दो दो बार रहा, पदाधिकारी रहा, मोर्चे का मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा, आज भारतीय जनता युवा पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो एक छोटे से कार्यकर्ता को संगठन में इतना अवसर मिला, मतलब ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अवसर है। तो मैं नहीं समझता कि मेरे को कोई जहर पीने की आवश्यकता का ऐसा कोई फिक्र है, ये तो पार्टी के लिए, पार्टी ने मुझ पर भी इतना विश्वास व्यक्त किया है, मैं समझता हूँ कि उस पर खरा उतरने का अवसर है, इसलिए पार्टी और संगठन ने जो हमको दिया है तो निश्चित आज हमारा भी अवसर है पार्टी के लिए, संगठन के लिए अपना वर्चस्व सर्वस्व लगाने के लिए, और हम जो अवसर है इसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये काम करने का अवसर, जिस तरह से आपको पार्टी ने पूरी तरह से जिम्मेदारी दे दी है सावेर उपचुनाव की, का कुल मिला के यूँ कहें कि आप तो पदाधिकारी, प्रबंध समिति के चुनाव जिताओ, प्रबंध समिति के भी कितनी काटे की टक्कर इस बार पाते हैं, हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित तौर पर नहीं सामने है, बावजूद इसके आप कितना समझा पा रहे हैं कि नहीं तुलसी भैया आप कांग्रेस नहीं, तुलसी भैया बीजेपी है? देखिए मैं नहीं समझता हूँ कहीं भी कांटे की टक्कर या कांग्रेस को चुनौती के रूप में सागर में या मध्य प्रदेश में कहीं भी है। एक बार मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जो अवसर दिया, 15 महीने में पूरी तरह से कांग्रेस फ्लॉप रही, वचन पत्र उनका एक झूठ का पुलिंदा बनकर रह गया, दृष्टि पत्र और वचन पत्र की जो बात करते थे जब उसको पूरा करने का अवसर आया तो उन्होंने दृष्टि भी बंद कर ली, और वचन पत्र पे बोलने का समय आया तो फिर मुंह भी बंद कर लिया। तो एक ऐसी सरकार जो गूंगी और अंधी और बहरी सरकार थी 15 महीने की, जितने वादे उन्होंने किए एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी सांवेर विधानसभा के प्रत्येक गाँव में हम लोग घूमें, पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम घूमें, अभी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फ्लावट जी के साथ हम गाँव भ्रमण कर रहे हैं। मैं हर मंच पे खड़े होकर माला हाथ में लेके वहाँ के मतदाताओं से आग्रह करता हूँ कि कोई एक भी हमारा किसान भाई जिससे
कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि हम 2 लाख रुपए आपका कर्ज माफ करेंगे। एक भी गांव में एक भी किसान भाई कोई अगर जिसका 2 लाख रुपए कर्ज माफ हुआ है तो वो मंच पे आए, हम माला पहनाकर उसका अभिनंदन का स्वागत करना चाहते। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हमको अभी नहीं, 1 साल हो गई हमारे को इसको खोज करते करते, कई मालाएं सूख गई हमारे हाथ में, फिर नई माला लेना पड़ती है अगले कार्यक्रम में। आज तक वो गला वो नहीं मिला हमको, वो किसान भाई का जिसके गले में जिसके वो माला हम पहना सकें। कई बहनों को हम खोज रहे हैं कि कोई एक बहन हमको ऐसी मिल जाए जिस बहन से 15 महीने पहले सरकार बनाने के पहले का मन्नाथ जी ने वादा किया था, और अब तो राखी जैसा पावन त्यौहार है ना, ऐसे समय पर भी वो बहनों के आँखों में आंसू आ रहे हैं, वो आज भी इनके पास जवाब नहीं है कि समूह लोन माफ़ करने की जो उन्होंने बात की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम समूह लोन माफ़ करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में खास करके सामर विधानसभा के एक एक गांव में हम घूम रहे हैं कि एक कोई बहन हमको ऐसी मिल जाए जो ये कहे कि 15 महीने में मेरा समूह लोन माफ़ हो गया, तो हम उस बहन का अभिनंदन कर दें, उसका स्वागत कर दें। कोई एक भी युवा भाई हमको अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसको इन्होंने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर जो सपना दिखाया था, 15 महीने में एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला हो, हम तो उसके अभिनंदन करने के लिए गांव में घूम रहे हैं। चलिए, कांग्रेस को जब कोसने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे सशक्त कर्णवीर जो है, कर्मवीर जो है, जितना चाहे उतना कोस सकते हैं, लेकिन जो आपकी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए हुए पूर्व विधायक, वो जब कोसने की बात आती है कांग्रेस को, तो पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोस के मंच से निकल जाते हैं। आपको अटपटा नहीं लगता है सब सुनकर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तो कांग्रेस की काम करने का एक तरीका है, आपने देखा कि झूठी बातें करना, झूठे विषयों को हवा देना, कभी फोटो की राजनीति करना, कभी बयानों की राजनीति करना, कभी बातों को तोड़ मोड़ के पेश करना, ये उनका अपना एक काम करने का तरीका है, उनका नए नए स्वरूप में छेड़ना। तो इसमें मैं समझ, आप जिस तरह से कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए तुलसी भैया को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना परिवर्तन तुलसी भैया में नहीं आया उतना परिवर्तन आपने पूरे यूँ कहे कि अपने सरदृढ़ता के चलते पूरा आत्मसात कर लिया। तुलसी भैया को बिल्कुल बड़ा भाई समझ के उनके लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। आप लगातार उनसे मिल भी रहे, उनके लिए मंचों पर उनसे अच्छे भाषण दे रहे, उनसे अच्छे से वोट मांग रहे। तुलसी भैया के लिए पिछले चुनाव में आप खुद के लिए वोट मांग रहे थे, तुलसी भैया की माइनस पॉइंट गिना रहे थे, इस चुनाव में आप स्वयं इस तरह से वोट मांग रहे, आपका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का भविष्य सुरक्षित है, मैं समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को अपने भविष्य को लेकर कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़े। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जहाँ पर बहुत माइनॉरिटी ऑब्जर्वेशन होता है कि कार्यकर्ता की कार्यशैली पर, उसके काम पर, उसको उसके काम करने की जो क्षमता है, जो काम करने की शैली, उसके अनुरूप उसको हमेशा काम मिलता है, जवाबदारी मिलती है। और मैं राजेश सोनकर का तो ऐसा नहीं, बल्कि मेरे जैसे कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हम काम कर रहे हैं और हमारे भविष्य की चिंता संगठन करता रहा है, करता है, उसकी हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, बड़े ही आपके चेहरे पर भी कहीं से भी मुझे वो एक राजनेता के दिलो दिमाग पे और कुछ होता है, वो मुँह से और कुछ बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी बातें जो है दिल से निकल रही है, जुबा से निकल रही है, और आपकी बातों में मुझे सच्चाई नज़र आ रही। भरी पॉलिटिक्स में कितना भी वातावरण बदलाव, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल बाल हनुमान का स्वरूप प्रस्तुत कर रखा है। कहने की लगातार हम बोलते भी रहेंगे कि राय जी कुछ ऐसा बोले जिससे तुलसी भैया की डगर जो कठिन हो जाए, लेकिन राय जी ठान के बैठे कि संगठन के साथ, और जितने भी इन्होंने विपरीत परिस्थितियां देखी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे नहीं लगता वो कमतरी नेता होंगे, कम ही नेता होंगे जिन्होंने पार्टी का गर्दिश काल देखा होगा। इनमें से रायेश जी है जिन्होंने पार्टी का बड़े बुरा समय देखा, और आज तो बहुत कुछ है पार्टी के पास और रायेश सोनकर जी के पास। रायेश जी, आप व्यक्तिगत रूप से भी आप बातचीत करना चाहते हो, आपकी पसंद नापसंद क्या क्या है, आप कैसे लोग पसंद है, कैसे लोग पसंद नहीं है, इससे भी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत लंबा राजनीतिक सफर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन जब से होश संभाला जब से पार्टी के कई लोगों को मैंने संगठन में जो काम करते हुए देखा है जी, और निश्चित ही पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से जो लोग काम कर रहे हैं जी, कई चेहरे ऐसे हैं जो मैं आपको आज भी गिना सकता हूँ जिनको हमने देखा काम करते हुए, और पीढ़ियाँ खप गई जी, बिल्कुल सही। संगठन से कभी उन्होंने कुछ मांगा नहीं, कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी, आवश्यकता पड़ी तो संगठन के लिए सब कुछ देने के लिए, बट नेचुरली स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों के प्रति तो सम्मान और मन में आता ही है कि जिन्होंने संगठन को हमेशा दिया ही दिया है। बिल्कुल सही है।
परोपकार का भाव रखा। दुख भी होता है कि कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता होते हैं जो बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की लालसा उनके अंदर होती है, नहीं मिलता तो संगठन में क्षणिक उनका आना होता है और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब वो पूरी नहीं होती है तो फिर वही संगठन को नुकसान पहुंचाने का भी काम करने लगते हैं। और जब इस प्रकार का कोई कार्यकर्ता या कोई नेता काम करता तो उस समय दुख भी होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्यकर्ता पर संगठन के कार्यकर्ता हैं और ये संगठन को खड़ा करने में कई पीढ़ियां ऐसी हैं जो खपते हैं जिनको हम आज जानते भी नहीं है, जिन्होंने स्वप्न देखा था कि कभी पंच से लेके प्रधान तक और राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी का बन पाएगा। वो आज चीज देख रहे हैं, आज ये वट वृक्ष के रूप में हम जो देख रहे हैं, हम तो इसकी छाव का आनंद ले रहे हैं और उन लोगों के तो आज पीढ़ियों का पता भी नहीं कहीं दूर दूर तक। तो ऐसे लोगों से ये संगठन खड़ा हुआ है और जब संगठन को हमारे अपने ही लोग कभी अपने निज स्वार्थ के चलते संगठन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं तब जरूर दुख होता है। चलिए, आप खेल भावना से लेते राजनीति को, जिस तरह से आपसे मेरी बातचीत चल रही, क्योंकि आपसे इतनी बड़ी चीज़ छिना गई है बावजूद इसके आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं है, आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं और लगातार वही बातें कर रहे हैं जो सकारात्मक बातें कहलाती है। कौन सा खेल खेलते हैं आप जिससे आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और मुझे ध्यान है एक बार उनके साथ गाड़ी में बैठा था और चलते चलते कुछ विषय आया तो बहुत सहजता से उन्होंने एक बात का जवाब दिया कि राजनीति का को जीवन में कभी भी लोड, मतलब जो अपन अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि इसका सहजता से लेना चाहिए, खेल भावना से लेना चाहिए। राजनीति कभी भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होके और इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। राजनीति में कई दौर आते हैं और कई दौर जाते हैं, बहुत सारे अच्छा दौर भी आता है और बुरा दौर भी जो आता है तो बहुत जल्दी टल जाता है। तो मेरे को उस समय लगा कि उन्होंने जिस प्रकार से इस बात को एक्सप्लेन किया था, उस बात को हमको रखा था, उससे मेरे को बहुत सारी बात, बहुत छोटे शब्द में मेरे को बहुत सारी बात, बहुत बड़ी सीख दे दी थी, बहुत 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 बड़ी सीख दी उन्होंने। वो भी मुन्ना भैया, आप भी मुन्ना भैया, उनका सीधा सीधा कहना था कि राजनीति को बहुत सहज तरीके से जीना चाहिए, राजनीति को टेंशन के रूप में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, लोग टेंशन करते रहे, हम मस्त रहे। चलिए राय सुनकर साहब ने ढेर सारी हमसे बातचीत करी और बहुत सारी बातों के जवाब भी दिए, लेकिन बड़ी ही सहजता के साथ दिए। इतना सरल सौम्य स्वभाव उनका देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल डॉक्टर राय सुनकर जी में ढेरों बदलाव आए, काफ़ी आत्मसंतुष्ट है। भले राजनीति में उन्हें लेकर या उनके जो अधिकार को लेकर जो चर्चा है महिला की नगरी में ग्रामीण परिवेश में होती है, वो उनको इग्नोर करते हुए केवल अपने लक्ष्य को सामने देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उपचुनाव में उन्हें अपनी पार्टी के उम्मीदवार को विजय दिलाना है और उस काम को करने के लिए वो 24/7 लगातार जुटे हुए। रायशी, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी की चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।